माई के कजरवा, माई के सिंदूरवा, माई के कमरिया, अरे कोई गीत है अश्लीलता का हद कर दिया रहेगा जी। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। ओ भारतीय सा जवान नेता मिले ईमानदार, जो हो भारत की शान, ओ कातिल मिले मगर पाकिस्तानी गद्दार न मिले। ओ बेटवा मूर्ख मिले चल जाए झूठी लबार न मिले। ओ भंवरा के संग मिले कली, ओ बगिया के संग माली, ससुरारी में सार मिले, ओ सरहज के संग साली, मेहरी गोरी मिलैया काली बैतल मार न मिले। ये मनमानी गीत गा रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, यही गायकी है, यही संस्कृति है, यही संस्कार है। मैं बहुत दुखी हूँ इन लोगों से, जो भोजपुरी है ये हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। और मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से, कि इस पर भी बैन लगा दें। कुछ भी गा रहे हैं ये मनमानी गीत गा रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, यही गायकी है, यही संस्कृति है, यही संस्कार है। मैं बहुत दुखी हूँ इन लोगों से, इन भोजपुरी के गायकों से। माँ के ऊपर, भाभी के ऊपर, बहन के ऊपर। माँ की तो बात छोड़ दीजिए, इन्होंने गीत गाते हैं कि माई का कजरवा सोहेला, माई का सिंहुरवा सोहेला। मैं आपसे चंद लाइन में बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी माँ से जा कर के कहेंगे कि माई तो दुकनी बड़ी नगद लागा था, काजर बड़ा नगद लागा, तो माँ आपको क्या बताए, उसकी आत्मा कहेगी कि तुम नालायक हो। लेकिन आज भोजपुरी वालों ने स्टेज पर माई के कजरवा, माई के सिंदूरवा, माई के कमरिया, अरे कोई गीत है अश्लीलता का हद कर दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, मीडिया वालों से, कि सरकार इस पर बैन लगाए, इन भोजपुरियों का जो अश्लील शब्द है उसको बंद करें। गुरु जी, ये लोग शायद इसलिए भी गा रहे हैं क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए। नहीं, ऐसी है कि आज की जो नई जनरेशन के लोग हैं इनको पसंद है, इसलिए कि इन्हों कोई संस्कार मिला नहीं है, कोई इतिहास नहीं पढ़े हैं, कोई संस्कृति नहीं पढ़े हैं, ये कॉन्वेंट में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान की संस्कृति क्या जानेंगे, इसलिए इनको पसंद लगता है। लेकिन जो संस्कृति में पले हैं, संस्कार में पले हैं, उनको कतई पसंद नहीं। हमारी पुरानी गीत लय है, ताल है, स्वर है, आवाज़ है, शब्द हैं, साहित्य है, सारे चीज़ आपको मिलेंगे हर लाइन में, भले आपको अच्छा न लगे। अगर आप भोजपुरिया के प्रेमी हैं तो भाई हमारा साहित्य कैसे सुने। तो निवेदन है कि भोजपुरिया गायक जो हैं हमारी संस्कृति और संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, खिलवाड़ न करें आप। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इन पर बैन लगाए, इनको बंद करे, ताकि भविष्य में हमारा संस्कार और संस्कृति अंततः जीवन बढ़िया रहा। अंततः मेरा जीवन आज भी अच्छा है, मैं 84 साल में हूँ, चलता फिरता हूँ, 4 चक्का चलाता हूँ, 2 चक्का चलाता हूँ, चना चबाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आनंद लेता हूँ, जो भगवान दे देता है उसी में आनंद लेता हूँ। परिवार भी अच्छे हैं, लोग आज्ञा का पालन करते हैं, जिसको जो कह देते हैं, बच्चे सब की हजूरी करते हैं, कमाते भी हैं, मैं आनंद लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और समाज की सेवा कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक भगवान की कृपा, सब कुछ सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और 10 पैसे से लेके 10 रुपए वाली तक जिंदगी एकदम नहीं, मुझे 10 मिला या 10 रुपया मिला, 10 लाख मिला, 10,000 पैसा कभी मायने नहीं रखता। पैसा मायने तो बता रहे हैं, 50,000 का कैसे टेक था महादेवा स्टूडियो वाले का। हाँ, तो जिस दिन जाने का था उस दिन स्नान करने लगे, मुझे भंवरा काट दिया। हाँ, तो दर्द करने लगा, तो उस दिन मैं गया नहीं, तो उसने फ़ोन किया, गुरु जी आपने आए नहीं, उनका ऐसी बात है और भौरा काट लिया, तो हम हिंदू धर्म के हैं, हमको कुछ शंका है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा पूछिए, हम कहा ये बताइए कि मेरे कैसेट में आप लवंडिया रखेंगे। उसने कहा गुरु जी अगर लवंडिया नहीं रहेगी तो कैसेट कैसे चलेगा। तो हम कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, वादा मेरा जो किया है
से माफ कीजिए, मैं नहीं आ पा रहा। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं, सिद्धांतों से आज भी समझौता नहीं, तो कलाकारों को करना भी नहीं चाहिए। सिद्धांत से समझौता नहीं, आज तक मैं किसी लेडी के सामने बैठा नहीं, इसलिए कि मेरी बहन बेटी जैसी है, संगीत है, कुछ शब्द निकल गया मुँह से तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं महिला कलाकार के सामने कभी बैठता हूँ। अंत में कुछ सुना दीजिए आपका जो बहुत खास या लोकप्रिय रहा हो, जो आपने लिखा हो दर्शकों को। नहीं अब सुना दे क्या दर्शक, लाइन सुना दी चोरवा कहे डाकू कहे नु डाकू निकल गए। हां सबको याद है लाइन तो देखिए गीत है और नीत भी है। और लोगों से जो सुनने वालों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी गीत की लाइन को जब आप हमेशा आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। लाइन मैं वो गीत गाता हूँ कि अगर उस गीत को आप गुनगुना आप गाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, आप गाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, गुनगुनाएंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हंसते रहेंगे तो शुगर नहीं होगा, और केवल ताली बजाते रहेंगे तो टेम्परेचर नहीं होगा। क्या बात, बजाइए फिर ताली आप लोग। गीत है मेरी एक दवा है और इसको करके देखिए, आप रिसर्च कीजिए, मीडिया वाले हैं, गायक कलाकारों को कभी कैंसर नहीं होगा, वो यूं ही मर जाएं वो अलग बात है, और जो गुनगुनाते खुश दिल रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। डाकू कहन डाकू निकल गया सुना डाकू तो इच्छा है तो विजय भान की दूसरी लाइन है। हाँ, हाँ, सुना हुआ है कि डाकू कहीं कि वो डाकू निकल गए और चोरवा कहीं शैतान हो और छीनरा कहीं वो लड़ाकू निकल गए, डाकू कहीं कि वो डाकू निकल गए और चोरवा कहनी सयाद हो और छीनरा कहीं उ लड़ाकू निकल गए, मेहरा कहीं जल्लाद हो छीनरा कहीं उ लड़ाकू निकल गए, लेकिन जै दिन विजय भान धरती पर रहले जै दिन विजय भान धरती पर रहले रहले गरीबे आजाद हो और सुखवा कनि दिया तिकर मीन सोले बबुआ के आशीर्वाद हो, सुख कनि दिया तिकर मीन सोले। बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः क्या संदेश देंगे जो आपके प्रशंसक रहे हैं? नहीं भाई, संस देंगे जो हमारे प्रशंसक हैं उनसे दो तीन लाइन और कह दें, उस पर ध्यान रहेगा जी। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले, दुश्मन मिले सवेरे दानेदार दुश्मन ठीक होता है, नादान दोस्त नहीं ठीक होता, ये लाइन है। हाँ नहीं कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले, ओ बेटवा मूर्ख मिले चल जाए झूठी लबार न मिले, ओ भंवरा के संग मिले कली ओ बगिया के संग माली, ससुरारी में सार मिले ओ सरहज के संग साली, मेहरी गोरी मिलैया काली बैतल मार न मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी भारत जैसा देश मिले ओ भारतीय सा जवान, नेता मिले ईमानदार जो हो भारत की शान, ओ कातिल मिले मगर पाकिस्तानी गद्दार न मिले, कातिल मिले